तो आज की वीडियो में हमारे पास जो स्मार्ट वॉच आ रखी है वो है सर्कल डायल फैंस के लिए, क्योंकि क्लासिक लुक आपको देखने को मिलता है एट जस्ट द प्राइस ऑफ 1500। तो काफी इंटरेस्टिंग सी वॉच, और ये है मैक्सिमा की मैक्स प्रो नाइट्रो। तो बड़ा अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को। तो टॉप पे आपको बढ़िया मैक्सिमा की ब्रांडिंग में देखने को मिलती है, वॉच का फोटो भी बना हुआ है, कुछ की हाईलाइट्स दे रखे हैं पीछे की साइड में। यहाँ पर कंटेंट पैकेज की बात करूँ तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक साल का वारंटी कार्ड, एक आपको मिल जाएगी मैनेजमेंट सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, एक कार्ड आपको मिलता है जिसमें एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, और साथ में मिलती है आपको आपकी चार्जिंग केबल। बट रही बात डिवाइस को लेके, तो वॉच को मैं ऑलरेडी पहन के ऐसा यूज कर चुका और हाथ में आपको दिख रही होगी वॉच, तो कुछ जो डिजाइन है वो काफी स्लीक है, स्लीम रखा है यहाँ पे, जो कि मुझे पर्सनली काफी सही लगा। मतलब वॉच बल्की फील नहीं होती है, लाइट वेट है, और थिन रिस्ट या ब्रॉड रिस्ट दोनों के हाथ पे ये बढ़िया लगने वाली है। प्लस इसमें आपको मिलता है ये लेदर स्ट्रैप जो कि 22mm का है, अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको पिन वाला ऑप्शन दे रखा है। बढ़िया स्ट्रैप के साथ में कहीं ना कहीं फिनिश और लुक जो है इस वॉच का बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब अगर डायल पे आप नजर डालोगे तो टॉप आपको मस्त एक कर्व्ड ग्लास देखने को मिलता है, सिंगल बटन दे रखा है ऑपरेशन के लिए यहाँ पे, कुछ भी आपको मेन्यू से इंटरेक्ट करना है तो सिंगल बटन से कर पाओगे। मेटलिक फ्रेम है ये, नीचे आपको यहाँ पे सेंसर वगैरह दे रखे हैं, और देख सकते हो कि वॉच की जो थिकनेस है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड आपको देखने को नहीं मिलती। तो इन लुक वाइज डेफिनेटली वॉच काफी आई कैचिंग है फॉर द प्राइस, बट जो इसके फीचर्स उस पर बात करें हम लोग यहाँ, तो जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे मिलता है 1.39 इंच का, यानी कि 1.39 इंच का जो डिस्प्ले है वो काफी सही लग रहा है, और प्लस जो ब्राइटनेस है वो मुझे अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि आप आउटडोर में लेके जाओगे तो आपको दिखेगी नहीं, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कंसर्न रहता है, बट इस वॉच के अंदर वो दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिला था, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, प्लस ये एक आईपीएस पैनल होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे कलर्स फेंक रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इंप्रेस किया। साथ ही साथ वेग गेस्चर दे रखा है इसमें, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो वॉच का डिस्प्ले आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हमारी डिस्प्ले में जो ऑलवेज ऑन मोड या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात आती है तो वो चीज़ यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं दे रखी है। बट अदर फीचर्स की बात करें जैसे कि बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर, तो कंपनी क्लेम करती है अप टू 7 days of battery performance, but calling वाला function कहीं ना कहीं use में जब आता है ना तो battery performance थोड़ी सी degrade होती है, तो आप ये मान के चलते हैं कि 2 से 3 दिन के around आप यहाँ पे performance expect कर सकते हो एक single charge में with calling वाले function। और अगर वो function को off करके अगर चला रहे हो आप watch को तो आपको फिर extension मिल जाएगा 1-2 दिन का। साथ ही watch IP67 rating के साथ में आती है, तो shower वगैरह या बारिश वगैरह में आप watch को पहन रहे हो तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप पहन सकते हो, आपकी watch खराब नहीं होगी। वहीं अगर बात करें यहाँ पे इसके sensor वगैरह को लेकर, तो आपको back में जो key sensors होते हैं जैसे कि आपका S2 HR और एक्सीलोमीटर सेंसर, वो तीनों सेंसर जो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। जो बड़ा पॉइंट उठ के आता है वो कहीं ना कहीं यूआई हो जाती है। यूआई अगर आप यूज कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो वो स्मूथ चलना चाहिए। अब मैक्सिमा की जो यूआई है काफी स्मूथ वर्क कर रही है, वैसे आपने जो यूआई है काफी सारी वॉचेस में देखी होगी, उसी तरह का सिंपल सा यूआई देखने को मिलता है। टॉप सेटअप पे आपको सारे टॉगल्स वगैरह दे रखे हैं जैसे कि DND हो गया, ब्राइटनेस कंट्रोल हो गया, नीचे से आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी SMS वगैरह आ रखे हैं आप उनको रीड कर सकते हो। साइड से करने में आपकी ट्रैकिंग आपको दिख जाएगी, कितना आपने वर्कआउट किया, कितना आपने स्टेप्स चला, तो वो सारी जो है इन्फॉर्म है आपको मिलाती है। अदर साइड से करने पे आपका मेन्यू अपीयर हो जाता है, और ये जो मेन्यू है सर्कल डायल वाला मेन्यू है जिसको आप रोटेट करोगे ना, अलग ही फील और अलग ही वाइब्रेशन फीडबैक आता है जो कि बहुत ज्यादा कूल फील होता है। तो कुछ इस तरह की यूआई मिलेगी आपको, स्टैंडर्डाइज वाली जो चीज हो जाती है जहाँ पे वॉच फेसेस दे रखे होते हैं, तो वॉच में जो कुछ वॉच फेस होते हैं अगर उनको चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो टच करके सेंटर पे आप उनको भी कर पाओगे। तो कुछ इस तरह का यूआई परफॉर्मेंस है और मेरे हिसाब से काफी स्मूथली वर्क कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रेस करेगा। और साथ में बात करें हम लोग यहाँ पे फीचर्स को लेकर, सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे कॉलिंग वाली फंक्शनलिटी। अब कॉलिंग फंक्शनलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा फोन से, फोन से कनेक्ट करने के बाद आपको फेवरेट कॉन्टेक्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, सेकंड आपको डायल पिन मिल जाएगा, और थर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉल हिस्ट्री, यानी कि जो भी प्रीवियस कॉल्स वगैरह रखे हैं वो आप वॉच में देख सकते हो। और कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो एक छोटा सा कॉल आके देख लेते हो किस तरह क्वालिटी निकल के आती है, वो आपको मालूम पड़ जाएगी। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इस वॉच के माइक्रोफोन से, और कुछ इसकी परफॉर्मेंस से वॉच देख लीजिए जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे यूज करने। अब वहीं जैसे आप अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करते हो तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे हैं, डिफरेंट एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करना पसंद करते हैं बाहर जाके, तो ये मोड्स काफ़ी काम में आते हैं अगर आप यूज़ करेंगे इनको, तो आपको बेहतर तरीके से ट्रैकिंग मिलती है आपने कितने टाइम में कितनी इस एक्टिविटी को करने में कैलोरीज बर्न कर रखी है, तो एज अ रिकॉर्ड आपको अच्छी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मिलती है, तो इनका यूज़ आप पर्सनली कर सकते हो। साथ ही मैं आपको वैसे वो SPO2 HR और एक्सीलोमीटर सेंसर दे रखा है, तो एक्सीलोमीटर सेंसर आपकी जितनी मोशन होते हैं, कितने स्टेप्स आप चल रहे हैं, कितना आपने मूवमेंट किया है, उसको रिकॉर्ड करता है। वो कितना एक्यूरेट रिकॉर्ड करता है तो उसको लेकर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज टू क्लोज आपको देखने को मिल जाता है विद कंपेयर टू मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट। वहीं SPO2 HR भी आपको मिल जाता है और कहीं ना कहीं वो भी क्लोज टू क्लोज है। बट एक सवाल जो उठ के आता है ना हमेशा, क्योंकि हम लोग हार्ड पार्ट पे पहनते हैं वॉच को, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी में फर्क आ जाता है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न है या तबियत ज़्यादा खराब है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट को यूज़ करें, क्योंकि वो आपको एक बेहतर आइडिया प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू स्मार्ट वॉचेस। साथ ही में यहाँ पर आपको स्लीप मॉनिटरिंग भी मिल जाता है, कितना आपने हार्ट
वाट स्लिप किया है, कितना आपने लाइट स्लिप किया, वो सारी चीज़ें आप जो है वॉच में देख सकते हो। इवन आपको वॉच में यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको ट्रैक्स वगैरह चेंज करना तो वॉच के थ्रू वो भी आप कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे कैमरा कंट्रोल मिलता है, तो अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करना था तो वॉच के थ्रू वो भी कर पाओगे। और इवन आपको यहाँ पे टाइमर, स्टॉप वॉच और अलार्म, आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट फीचर्स होते हैं वो भी आपको दे रखे। और कुछ हाईलाइट फीचर्स को लेकर बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे AI वॉइस वाला चीज़ आपको मिल जाती है, तो अगर आपकी वॉच कनेक्टेड है तो आप अपनी वॉच से असिस्टेंट को वेक कर सकते हो, फिर चाहे वो गूगल हो, बिक्सबी हो या फिर सीरी हो, तो वो एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। इवन यहाँ पे आपको वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलेगी वॉच में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप करते हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, अपने आपको रिलैक्स करना चाहते हो, तो वॉच के साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। गेम्स भी दे रखे हैं इसमें, तो अगर थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट करना है वॉच के साथ में, तो यहाँ पे यंग बर्ड और एक 2048 आपका जो गेम है कॉमन सा, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो कभी फ्री टाइम में आप खेलना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी दे रखा है, तो अगर आप डिम या अंधेरे में कहीं जा रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत उजाला मिल जाएगा। प्लस कैलकुलेटर भी दे रखा है, तो कैलकुलेटर वाली चीज से मैं अच्छे कहीं ना कहीं इंप्रेस हुआ कि इस प्राइसिंग पे आपको कैलकुलेटर प्लस गेम्स भी मिल जाते हैं, और ऑन गो जैसे कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना तो आप इजीली अपनी वॉच पे कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स में तो आपको वो यहाँ पे मेन्यू के व्यू ऑप्शन मिल जाते हैं, दो ऑप्शन दे रखे, तो सर्कल वाला है और एक लिस्ट वाला है, जो कि मुझे प्रेफरेबल है लिस्ट वाला, क्योंकि ईजी पड़ता है आपको टॉगल अप करना। साथ ही में आपको यहाँ पर एक और फंक्शन देखने को मिलता है, जो कि ऑडियो ब्लूटूथ ऑन और ऑफ वाला है। अभी क्या होता है, काफ़ी सारी वॉचेज में एक दिक्कत आती है कि हम लोग वॉच जब कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्ट वॉच से, तो हमारा जो म्यूजिक है फोन का, जो म्यूजिक है वो भी वॉच में से आने लगता है। वो इसके साथ दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप सेटिंग्स में जाके इसके ऑडियो को ऑफ कर देंगे तो आपके फोन का जो म्यूजिक है कॉल के अलावा वो आपके वॉच में नहीं आएगा। बाकी आपको वाइब्रेशन सेटिंग्स मिल जाती है, और वाइब्रेशन फीडबैक बहुत अच्छा है। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा दोगे, स्ट्रॉन्ग पे कर दोगे ना, आपको बहुत प्रॉपर जैसे SMS वगैरह आते हैं, कॉल वगैरह आते हैं, तो प्रॉपर वाइब्रेट करती है। लो पावर मोड दे रखा है, रीसेट है, पावर ऑफ है, और जो सेटिंग्स होती हैं वो बेसिक सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब रही बात वॉच फेसेस को लेके, जैसे काफी सारे लोग होते हैं ना जिनको खुद का फोटो वगैरह लगाना होता है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशन पर। जो एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ पे यूज कर रखी है वो कुछ इस तरह की देखती है, जहाँ पे फ्रंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्लस आपको सेकंड पेज पर देखने को मिल जाएगा जो बाहर अपने आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह करी है, वर्कआउट का, तो उनका ट्रैक देखने को मिल जाएगा। साथ में थर्ड वाला ऑप्शन में जाएगा, तो यहाँ पे वॉच फेस का एक पूरा सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे अपने खुद के फोटो वगैरह आप लगा सकते, प्लस डाउनलोड भी करना चाहते हो तो बहुत सारे अवेलेबल कर रखे हैं, वो डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। और जो रिमाइंडर्स हैं, नोटिफिकेशन वगैरह, और जो बाकी सेटिंग्स आपको वॉच से रिलेटेड करनी है, वो सब आपको एप्लीकेशन के इस पेज पे देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आपको मिलेगी, और कनेक्टिविटी काफी, मतलब मेरे हिसाब से सही मिल जाती है। 10-15 मीटर की रेंज में आपकी जो वॉच है आपके ऐप से प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड रहती है। अब आते हैं कंक्लूजन को लेकर, क्योंकि प्राइसिंग जो है बड़ी इंटरेस्टिंग रखी है, यानी कि 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट में आपको एक क्लासिक लुक एंड फील वाली स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। और सर्कल डायल फैंस जो है पर्सनली वो काफी इंप्रेस होंगे, क्योंकि आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल जाता है, आपको गेम्स, कैलकुलेटर, जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये वॉच कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फुलफिल करती है। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगी, अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगी है तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई के लिए इतना ही कर देना यार, एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, कमेंट करना आप इसके बारे में, वॉच के बारे में, या कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो। प्यारा वाला कमेंट तो कर ही देना, क्योंकि खुशी मिलती है जब आप कमेंट्स वगैरह आते हैं। बाकी इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।